नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल के एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की। पिछले लेक्चर में हमने फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल का हमने उसका जो आउटर वेट है उसका सिग्निफिकेंट लेवल चेक किया कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है सारे आइटम्स। इसके बाद हम लोगों ने उसकी मल्टी क्वालिटी की वैल्यू भी फाइंड आउट की कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं आपस में इनमें कोई क्वालिटी का इशू है या नहीं है। तो दो चीजें भी हमने फाइंड किए, सिग्निफिकेंस ऑफ आउटर वेट और इसके साथ साथ क्वालिटी अमंग इंडिकेटर्स। अब हम बात करेंगे कन्वर्जेंट वैलिडिटी की। तो हमारे पास जो हमने मॉडल अपना बनाया था दोस्तों, वो हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा पूरा मॉडल है। तो इसमें हमने जो है अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। एक तो हमने इसका आउटर वेट सिग्निफिकेंस टेस्ट यूज किया था, और जिसमें हमने जानना चाहता कि सारे जो आइटम्स हैं हमारे वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट को फॉर्म करने के लिए या नहीं। जैसे एम्बियंस में चार हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो इन्होंने एम्बियंस कंस्ट्रक्ट को फॉर्म किया है, ठीक है, और ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट। दूसरा, हमने मल्टी क्वांटिटी की बात की थी, जो हमने देखा था कि एसपीसीएस के थ्रू जो है हम मल्टी क्वांटिटी फाइंड करते हैं और उसमें ये चेक करते हैं कि वो हमारा वेरिएबल मल्टी क्वांटिटी का इशू उसमें है या नहीं वेरिएबल्स में, ठीक है। अब तीसरा जो है वो है कन्वर्जेंट वैलिडिटी। तो दोस्तों, हमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी जो निकालनी है वो एक तो एम्बियंस एक हमारे पास फॉर्मेटिव फैक्टर है, कंस्ट्रक्ट है, दूसरा सिक्योरिटी और तीसरा जो है रेस्पॉन्सिवनेस। हमारा जो मॉडल है वो तो ये बना हुआ है, तो इससे हम जो है इसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी नहीं निकाल सकते। तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकालने के लिए हमें अलग से अपना एक नया प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा। और जैसे हमें पहले निकालना एम्बियंस, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एम्बियंस। एम्बियंस का हमने यहाँ पर कन्वर्जेंट वैल्यू निकालेंगे, और ये जो डेटा है इसी डेटा से हमने इसको फाइंड किया, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये देखिए एम्बियंस है ना, एम्बियंस को जब हमने यहाँ डबल क्लिक किया, ये देखिए प्लस किया, तो ये एम्बियंस का ये ग्राफिक विंडो हमारे पास आ गया। अब इसमें हमें करना क्या है कि जो एक हमारे पास ये कंस्ट्रक्ट है, दूसरा कंस्ट्रक्ट ये है, ठीक है। हमने इन कंस्ट्रक्ट का नाम रखा है, ये तो है हमारे पास एम्बियंस का कंस्ट्रक्ट, तो ये हमने रख दिया इसका जो नाम है एम्बियंस, और एम्बियंस ओ इसको हम कहते हैं ओवरऑल, एम्बियंस ओवरऑल। दूसरा जो कंस्ट्रक्ट है इसको हमने नाम दे दिया एम्बियंस, 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 ठीक है। और ये जो मिलकर बना है, चार क्वेश्चन से मिलकर बना है, इन चारों को हमने यहां से कॉपी किया और यहां पर आके ड्रॉप किया। ये जो अभी मॉडल है हमारा, ये मॉडल फॉर्मेटिव है। इससे पहले हम इनवर्ट मेजरमेंट मॉडल, मतलब ये अब हमारा फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल बन गया है, और इसकी जो रिलेशनशिप है, जो हमने एक एडिशनल क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट का भरवाया था एम्बियंस को ओवरऑल, है ना, ये हमारे पास इस समय क्वेश्चन बन गया है। इसका एक वेरिएबल है एम्बियंस ओ का, तो वो हमें क्या करना, यहां से हमने ड्रैग किया और उसको यहाँ ड्रॉप कर दिया। इसकी डायरेक्शन जो है हम इसको अभी चेंज कर देते हैं, डायरेक्शन इसका हमने यहाँ पर राइट में कर दिया है, और ये आ गया अलाइन राइट। ये हमारे पास दोस्तों एक कन्वर्जेंस के लिए, कन्वर्जेंस वैलिडिटी जो एक फैक्टर है एम्बियंस फॉर्मेटिव, उसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी हम निकालेंगे। तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी वैसे ही निकलेगी जैसे हमने रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल में काम किया था। कैलकुलेट पीएलएस एल्गोरिथम, इसको हमने टिक किया, और ये सारी बाय डिफॉल्ट चीजें हैं, केवल यहां पर हमने इसको फिनिश को टिक किया, और उसके बाद जो है हमारे पास वैल्यू आ गई।
ये जो वैल्यू आई है दोस्तों, ये आई है हमारे पास इस रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.795। तो हमने जो पढ़ा था वो ये था कि इसकी जो वैल्यू है कन्वर्जेंट वैलिडिटी की, वो वैल्यू 0.8 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमारा जो कंस्ट्रक्ट है उसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी सही है। ये मोर और लेस जो है 0.8 के आसपास ही हमारी वैल्यू आई है पहले वाले कंस्ट्रक्ट के लिए 0.795। और ये हमारा सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट भी कर रहा है, इसको चाहे तो हम यहां से जो है देख सकते हैं बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू। इसमें हमारे पास जो है टी वैल्यू आ जाएगी और टी वैल्यू के थ्रू देखिए 19.573, ये दो से ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब हमें जो है दूसरा जो प्रोजेक्ट अपना तैयार करना है जिसकी हम कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकालेंगे, वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सिक्योरिटी हमने एक इसका नाम रखा है सिक्योरिटी, जो कंस्ट्रक्ट है फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट, और उसमें भी हम जो है सेम वेरिएबल ही यूज करेंगे। और जो डेटा है वो इंपोर्ट हमें करना है, फॉर्मेटिव डेटा में सारा हमारा डेटा है और ये हमने यहाँ पर ओके किया। अब ये सिक्योरिटी आ गया, यहाँ पर हमने जो है इसको डबल क्लिक किया तो हम यहाँ पर हमने इसको कंस्ट्रक्ट को ड्रैग किया ड्रॉप। अब यहाँ पर ये देखिए इसमें हमें इसका नाम देना है, ये पहला जो है इसको हमने कहा है सिक्योरिटी सिक्योरिटी ओवरऑल है ना ओ, और दूसरा जो कंस्ट्रक्ट है इसको हमने नाम दिया है सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी जो बना है ये तीन क्वेश्चन से मिलकर बना है, इन तीनों को हम यहां से ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। ये तीनों हमने सिलेक्ट किए और यहां पर ड्रॉप कर दिया, और एक क्वेश्चन जो था हमारा सिक्योरिटी ओवरऑल हमने पूछा था वो हमने यहां पर ड्रॉप। अब हमें क्या करना है, इसका अलाइन कर देते हैं पहले, ये राइट में लेकर आ गए हम इसको, और ये जो है इंसर्शन कनेक्शन मोड वाला कनेक्शन मोड हमने इसको कर दिया दोनों कंस्ट्रक्ट के बीच में, और ये जो मॉडल है इसे हमें पहले इन्वर्ट करना है। अब ये फॉर्मेटिव हो गया क्योंकि डायरेक्शन क्या होती है फॉर्मेटिव की, मेजरमेंट मॉडल से कंस्ट्रक्ट की तरफ। अब हमें इसका जो है कन्वर्जेंट वैलिडिटी के लिए वैल्यू निकालनी है, फिनिश किया। अभी आ गया 0.877। देखिए हमने यहां पर लिख भी लिया है, पहले वाले की वैल्यू आई थी पॉइंट दिस और दूसरा जो है ये 0.77, नाम थोड़ा उल्टा हो गया है यहां पर। तो ये जो वैल्यू आई है हमारे सिक्योरिटी की 0.877, तो इसका मतलब है कि 0.8 से ज्यादा है, तो हमारा जो ये कंस्ट्रक्ट है इसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी भी सही है। तीसरा हमें जो कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकालनी है वो है हमारे पास सिक्योरिटी, तो हो गया रेस्पॉन्सिवनेस, यहां पर रेस्पॉन्सिवनेस, ठीक है रेस्पॉन्सिवनेस आ गया, और वही पुराना डेटा हमारा फॉर्मेटिव डेटा लिखा हुआ है, इसको हमने फिनिश किया, और फिनिश करने के बाद जो है ये हमारे पास रेस्पॉन्सिवनेस, ये देखिए रेस्पॉन्सिवनेस का यहाँ पे ग्राफिक विंडो आ गया, और इसको हमने यहाँ पर एक ओवरऑल रेस्पॉन्सिवनेस, और इसमें तीन क्वेश्चन से मिलकर बना है ये। अब रेस्पॉन्सिवनेस के जो तीन क्वेश्चन हैं आइटम्स इंडिकेटर्स हैं उनको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर ड्रॉप किया, और यहाँ से ड्रैग करके इसको यहाँ पर ड्रॉप किया। अब इनका नाम और हम लिख दें, ये जो नाम है रेस्पॉन्सिवनेस ओवरऑल, और इस कंस्ट्रक्ट को हम कहते हैं रेस्पॉन्सिव, ये हमने इसका नाम दे दिया रेस्पॉन्सिव। अब इसको अलाइन कर लेते हैं, अलाइन करने के लिए इसको राइट में लिया हमने, और जो कनेक्शन मोड है कनेक्शन मोड के थ्रू हमने इन दोनों कंस्ट्रक्ट को जोड़ दिया, तो ये हमारा जो है एक
पाथ रिलेशनशिप आ जाएगी दोनों के बीच में। ये भी हमारा रिफ्लेक्टिव है, तो इसके लिए हमने इसको इन्वर्ट किया, अब हमारा ये फॉर्मेटिव बन गया। अब इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो ये कैलकुलेट करेंगे PLS एल्गोरिथम और फिनिश। फिनिश करने के बाद ये वैल्यू आ गई 0.817। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये थोड़ा सा उल्टा आ गया है, उल्टी वैल्यू हमने यहाँ पर टाइप कर दी है। ये वाली रेस्पॉन्सिवनेस की वैल्यू और 0.877 सिक्योरिटी की है। ठीक है, यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, ये रेस्पॉन्सिवनेस की 0.817। तो इस तरीके से हमें जो तीन चीजें जो हमने यहाँ पर देखी थी, वो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल को इवेल्युएट करने के लिए हमें चार चीजों की आवश्यकता होती है। पहले हम कंटेंट वैलिडिटी देखें। कंटेंट वैलिडिटी के लिए हमारे पास जो है प्रीवियस जो भी रिसर्चेज हुई हैं लिटरेचर रिव्यू के थ्रू, हम जो है उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट की कंटेंट वैलिडिटी फाइंड कर सकते हैं। और जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो पहले प्रीवियस रिसर्चेज लोगों ने जो काम किया है वो स्केल उन्होंने यूज किया हो, और इसी तरीके का हम टेस्टेड स्केल लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने मान लीजिए अपने इस क्वेश्चन इस मॉडल में तीन अलग से कंस्ट्रक्ट को ऐड किया था, एक MBA सिक्योरिटी और तीसरा था रेस्पॉन्सिवनेस। तो इन तीनों जो फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल है, इन तीनों में वो जो हमने 9-10 क्वेश्चंस यूज किए हैं, एम्बियंस के चार और सिक्योरिटी और रेस्पॉन्सिवनेस के तीन तीन क्वेश्चंस, तो वो तीनों क्वेश्चंस, तीनों कंस्ट्रक्ट के जो क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चंस, वो प्रीवियस स्टडी में हमारा मैच करना चाहिए कि रेस्पॉन्सिव को मेजर करने के लिए हमने जो है कि कौन से क्वेश्चंस लिए हैं। तो हमारे क्वेश्चंस और प्रीवियस स्टडी में जो लोगों ने रेस्पॉन्सिवनेस को मेजर किया है वो मैच करना चाहिए, हमारे क्वेश्चंस और प्रीवियस रिसर्चेस के क्वेश्चंस मोर और लेस सेम होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमारे इस कंस्ट्रक्ट की कंटेंट वैलिडिटी सही है। अदरवाइज हम अगर हमारे क्वेश्चंस गलत होंगे, दूसरे जो लिटरेचर रिव्यू को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे कि इसकी कंटेंट वैलिडिटी नहीं है पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट की। ठीक है, दूसरा कन्वर्जेंट वैलिडिटी। तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी के लिए दोस्तों अभी हमने जैसे डिस्कस किया था कि हम जो है एक एक इंडिविजुअल जो हमारे पास इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट है, तीन कंस्ट्रक्ट हैं, तो जैसे एक एम्बियंस हमने लिया, सिक्योरिटी लिया और रेस्पॉन्सिवनेस, तो सबकी वैल्यू जो है 0.8 से ज्यादा होनी चाहिए, और हमारे जो मॉडल में भी वो वैल्यू लगभग 0.8 के आसपास आई है, और 2 की 0.8 से ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी भी हमारे फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल की है। तीसरा है कि जो कोलिनिटी का जो इश्यू है कि ये जो कोलिनिटी फाइंड करते हैं वो हम एस्पेसिस के थ्रू करते हैं, और उसमें जो है टॉलरेंस की वैल्यू 0.2 से अगर कम है और VIF की वैल्यू अगर 5 से हाई है, तब हम कहेंगे कि मल्टी कोलिनिटी का इसमें इशू है, क्योंकि हम चाहते हैं कि फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट जो है इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं 3 या 4 वो सारे अलग अलग होने चाहिए, उनमें आपस में हाईली कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। लो कोरिलेशन तो चल सकता है, लेकिन उसमें कोई अगर हाईली कोरिलेटेड होंगे तो हम कहेंगे कि इसमें मल्टी कोलिनिटी का इशू है और ये इस फिनोमिना को प्रॉपरली मेजर नहीं कर रहा। और एक लास्ट में जो हमने डिस्कस किया था वो है सिग्निफिकेंस ऑफ आउटर वेट, कि हमारे इसमें कंस्ट्रक्ट में मान लीजिए 10 क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस 4 एम्बियंस के, 3 सिक्योरिटी के और 3 रेस्पॉन्सिवनेस के, तो ये सारे के सारे आइटम्स जो हैं इंडिकेटर्स हैं वो सिग्निफिकेंट होने चाहिए। मतलब जब इसकी हमने टी वैल्यू निकाली तो सारी टी वैल्यू 1.96 से ज़्यादा होनी चाहिए, हमारी सारी टी वैल्यू 1.96 से ज़्यादा थी, केवल एक जो सिक्योरिटी का हमारे पास क्वेश्चन था उसके अलावा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हम अपने किसी भी मॉडल में जो फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल है उसकी हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन इसी तरह से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you.